हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेप टू ग्रो में। आज हम दोस्तों आपको अपने लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही रखेंगे। सो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन के बारे में, व्हाट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्पर्शन और द वेरिएशन इन अ प्रोसेस, एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द डिस्पर्शन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन। सो दोस्तों उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। सो मेथड ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन से हैं? चार मेथड्स हैं हमारे पास। एक रेंज, सेकंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, थर्ड इज मीन डेविएशन व्हिच इज आल्सो नोन एज वेरिएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं रेंज से। रेंज, द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज द रेंज। एंड हाउ वी कैलकुलेट इट, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? It is the difference between the highest value and the lowest value of our data set. So, जैसे हमारे पास ये data set है, एक player का score, 20 matches का score है against जिस team के against उसने play किया है। So, अगर हम इसको देखते हैं, तो इसमें हम range अगर calculate करना है हमें, तो हमें दो चीजें calculate करनी पड़ेंगी, एक high value और एक low value of data set। High value आप calculate करेंगे equal to max के formula से, एंड लोएस्ट वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो मिनिमम के फॉर्मूले से, इक्वल्स टू मिन। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ गई है माइनस लोएस्ट वैल्यू। सो 23 इज अ रेंज फॉर दिस डेटा पॉइंट। तो दोस्तों हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि रेंज को यूज करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द रेंज। सो फायदे क्या क्या हैं? रेंज समझने के लिए बहुत आसान है और कैलकुलेशन में भी बहुत आसान है, और इसमें टाइम भी हमें बहुत कम लगता है, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द नेक्स्ट वन इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो दोस्तों इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? इट इज जस्ट सिमिलर टू द रेंज, लेकिन इसमें हम क्वार्टाइल्स लेते हैं। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? सो इट इज द सेकेंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, नो डाउट इम्प्रूव्ड वर्जन ओवर द रेंज। सो सिमिलर टू रेंज होता है, लेकिन उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इट इज बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल, सो वाइल कैलकुलेटिंग दिस में रिक्वायर्ड अपर क्वार्टाइल Q3 एंड द लोअर क्वार्टाइल इज Q4। यानी कि हमें दो क्वार्टाइल वैल्यू चाहिए आपके डेटा सेट्स के, एक अपर क्वार्टाइल विच इज Q3 एंड एक लोअर क्वार्टाइल विच इज Q1, एंड उन दोनों का डिफरेंस विच इज जस्ट सिमिलर टू द रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसमें हमें क्वार्टाइल्स का लेना है, अपर क्वार्टाइल इज Q3, लोअर क्वार्टाइल इज Q1। सो इसका क्या फॉर्मूला होगा? Q3 माइनस Q1। सो इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें चाहिए Q3 एंड Q1। तो Q3 के लिए फॉर्मूला, तो दोस्तों क्वार्टाइल का भी फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू क्वार्टाइल। आपने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करी, देन आपको क्वार्टाइल बताना है कौन सा। सो अपर क्वार्टाइल इज 75th परसेंटाइल ऑफ योर डेटा। तो आपने 3 सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो ये आपको Q3 वैल्यू आ गई। सेम फॉर्मूले से आप Q1 भी निकाल लेंगे, विच इज 25th परसेंटाइल ऑफ योर डेटा। सो नाउ हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होगा? Q3 माइनस Q1, विच इज 11.25। देखिए दोस्तों दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। रेंज में आपको वेरिएशन पता चल रही है 23, इंटरक्वार्टाइल रेंज में वेरिएशन निकल के आ रही है 11.25। नाउ इसके भी कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस हैं दोस्तों, आइए उनको समझते हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं क्वार्टाइल के, क्वार्टाइल डेविएशन के? इट इज ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको इसमें नहीं करनी पड़ रही है।
इट डज नॉट इन्वॉल्व मच मैथमेटिकल डिफिकल्टीज, इसमें मैथमेटिकल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा नहीं है. एज इट टेक मिडिल 50% टर्म, हेंस इट इज अ मेजर बेटर देन रेंज एंड परसेंटाइल रेंज. सो 50% टर्म इसमें हम यूज कर रहे हैं, विच इज आपका जो 75th परसेंटाइल डेटा है उसको माइनस कर रहे हैं फर्स्ट परसेंटाइल डेटा से. तो थोड़ा सा ये रिफाइंड वैल्यू निकल के इसमें आती है हमारी. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम टर्म्स एज 25% ऑफ अपर एंड 25% ऑफ द लोअर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डेटा लिया. सो इसमें क्या होगा कि अगर जो एक्सट्रीम वैल्यू कोई होगी, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले एग्जांपल में बताया था कि अगर एक डेटा सेट है जिसमें आपका आपका डेटा सेट जो है वो वेरी करता है 1 to 10 के बीच में, एंड बाकी की वैल्यू 2 या 3 वैल्यूज जो है वो मिलती हैं आपको 100-90 के बीच में. तो इससे क्या होगा, जब आप इंटर क्वार्टाइल रेंज या IQR जिसे हम कहते हैं आप इसको यूज करेंगे तो वो डेटा सेट्स अलग हो जाएंगे एंड आपको मोर रिफाइंड वेरिएशन आपके प्रोसेस के मिल जाएगी. मीन डेविएशन और वेरिएशन जो हमने पढ़ा होगा अपने स्टैटिस्टिक में काफी. सो मीन डेविएशन टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज. मीन डेविएशन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन. एक्स इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन and x bar is the arithmetic mean of the value, n is the number of observation. So दोस्तों जैसे कि अभी हमारे दो हमने method पढ़े range और interquartile range, उनमें जो difference जो उनमें जो limitations थी कि वो हर एक item का variation नहीं निकालते हैं कि कितना variation है central tendency से. यहाँ पर ये इसमें कंसिडर किया जाता है उन सब चीजों को, एंड इसमें मीन जो वेरिएशन जो है आप निकालते जो हैं इसके लिए आप अर्थमेटिक मीन जो कि आपका मीन जो होता है उसको हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए. एंड ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि आप एक्सेल में जो कि नॉर्मल कैलकुलेशन में भी आप यूज कर सकते हैं. तो लेकिन दोस्तों एक्सेल में हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का या फिर वेरिएशन का, अगर आप कहें तो VAR वेरिएशन एंड सिंपल आप डेटा रेंज आपने सेलेक्ट कर दी. सो मीन डेविएशन आपका 62 आ गया. सो इस फॉर्मूले को याद करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तो. अगर आप एक्सेल में नहीं कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द मेरिट ऑफ मीन डेविएशन, इसके फायदे क्या होते हैं. इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज, लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इट इज यूजफुल इन सैंपल स्मॉल सैंपल व्हेन नो डिटेल्ड एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन. इट इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा अबाउट द मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो सिंपल में दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपके डेटा का स्प्रेड बताता है एक्चुअल वे में मीन से, मीन के अकॉर्डिंग. एंड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट जस्ट सिंपल इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ मीन सॉरी वेरिएशन. सो जो आप वेरिएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं या फिर मीन डेविएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन डेविएशन. इसका भी दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करना मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहते हैं अदर देन एक्सेल तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, एल्स एक्सेल में आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. इसके में भी आप इसके लिए भी आपको फॉर्मूला अवेलेबल है इक्वल्स टू STDEV एंड देन आप अपने इसमें रेंज सेलेक्ट कर लीजिए. So standard deviation is 7.9.
देखिए दोस्तों, चारों आंसर्स अलग अलग हैं। आज का वीडियो इतना ही मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन के। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, बिकॉज जब भी आप कोई एनालिसिस करते हैं तो आपको अपने डेटा टाइप पता होना चाहिए। आई होप कि आपको मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन समझ में आ गया होगा, इसके चारों मेथड कैलकुलेशन मेथड समझ में आए होंगे। इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन इन दैट, प्लीज़ लेट मी नो, आप कॉमेंट करिए, मैं उनका आंसर करूँगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।